राम राम जी। सारे ने अनंतिल ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हो कि भाई सभी अच्छे होंगे और आप सभी की दुआओं से हम भी अच्छे हैं, खुश हैं। और ये टाइम है सुबह का 6:30 बजे का और मैं बनाने लग रही हूँ रोटी बच्चों के लिए। मेरे जो लंच होता है वो मैं बनाने लग रही हूँ। वैसे पापा भी जाओगे ड्यूटी पर, दूँ दही भी खाना मैं रेडी कर लूँ साथ के साथ में। ये मकाम सुबह कर दिया करो और फिर रोटी बनाते बनाते मेरा ध्यान आ गई थी कि भाई मेरे हाथ में चूड़ियाँ नहीं है, तो मैंने खुद अजीब सा लगा, थोड़ा मैंने अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर जब मैंने याद आई तो फिर मैंने चूड़ियाँ यहीं में किचन में रख दिया। अगर मैंने जब खाना बनाऊँ ना तो उस टाइम पे मैंने रात में निकाल कर ने रख दी। और उसके बाद फिर जब मेरे याद आई तो मैंने पहन ली। और अब सुबह जैसे खाना वाना काम सारा हो जाए ना तो फिर मैं यहीं से पहन लिया करूँ। ये अब मैंने ध्यान आई कि अजीब लग रहे हैं हाथ, तो मैंने पहन लिए। और भी कितनी बाण है जो मेरी चूड़ी निकाल ली है, निकाला और पहरा है मेरी इतरिया। तो मेरी तो आदत है भाई, कई बार मेरे बेटे का भी चुप जाए तो वो भी निकलवा ले। जब उसने गुस्सा आ जाए उसको कहीं चुप जाए तो दर्द हो तो मम्मी निकालो ही नहीं ये गंदी सी चूड़ियाँ। तो जब बच्चा बोला उस टाइम पे भी मैंने निकालनी पड़ा, रात ना सोते टाइम भी उसका चुप जाए, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास ही सो, छोटा है। छोटा तो मतलब कि 6 साल का हो लिया, लेकिन फिर भी बच्चे ने मतलब आदत तो है तो मेरे पास ही सो है। और ये रोटी तो मैंने बना ली थी पापा की, और मैं बच्चों के लिए बनाने लग गई अब परांठे। ये और जो टिंडे की बोला है ना तो ये उसी में बनाने लग रही, क्योंकि इसमें बनाए और थोड़े मतलब सॉफ्ट रवा है। तो यो भी मतलब मेरा एक तजुर्बा है, मैंने देखा है जो ताए उड़गी में बनाओ ना उससे निस्बत अगर टिंडे की में बनाऊँगे ना तो उसमें ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। और मेरे बच्चे हैं ना सॉफ्ट वाले जो परांठे भी पसंद है, और हमने पसंद है तो हमने नहीं मतलब मन ने पसंद है थोड़े भी टाइट करड करड़ से आग रहे। वैसे पापा ने भी और बच्चे ने थोड़े सॉफ्ट बने वही परांठे पसंद है, तो बच्चे के लिए मैंने बना दिए हैं परांठे। और साथ ही साथ मैं सारे किचन की मतलब सफाई भी कर दूँगी, फिर ना सारा काम बनता आ जाए सुबह। तो देखो मैंने खाना बना दिया और किचन भी साफ कर दी। ये बच्चे तब तक बच्चे लाग रहे हैं नान, पानी वगैरह सारी चीज़ डाल रखी, सिर्फ एक पतीला यहाँ पर रख दिया मैंने। ये दूध वाला होगा तो दूध लेंगी। और ये बच्चे जा लिए भाई और मैं लग गई हूँ कमरे की साफ़ सफाई करें। तो यो मतलब कि जो पर्दे आ गए ना, ये पर्दे मैंने बीच मतलब शीमने एक्स्ट्रा थे, तो ये मैंने चादर बना दी। देखो ये इकट्ठे मतलब बटड़े तो हो जाए, और इसके मैचिंग ये पिल्लो कवर मैं लेकर ना आई थी। ये जो ये क्या है, ये पर्दे हैं ना, ये साथ ही साथ बटड़े तो हो जाए लेकिन अच्छे भी लग गए मैंने तो बिछे उड़, तो मैं बिछा लिया करूँ इन्हें। और मैं लग गई सारे के झाड़ू निकालन, पेड़ियाँ मैं मैंने शाम ने निकाल दी थी जिस मारी, बस मैं एक दो पेड़ियाँ मैं कहीं झाड़ू निकालूंगी, तो ऊपर निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि साफ है पहले ही। और आज मैंने सारे प्लांटा ने की देखभाल करनी है, कई दिन हो लिए बेचारे वे भी मतलब कि बिना संभालता भाई ख़राब हो जाए। तो अभी भी एक प्लांट और ऊपर रह रहता, मैं ऊपर तक उतार कर नहीं लेकर आई थी। तो बस इसकी नो जगह लाग रही है, देखना भाई कि रखूँ कहाँ अच्छा लगेगा। तो ये देखो ये मैंने यहीं रख दिया फ़िलहाल तो, लेकिन ये इसकी फिक्स जगह नहीं है। और ये है बाथ टब, ये देखो कितना बड़ा है। और इसने मैं बाहर निकाल दूँगी, बाहर रख दूँगी, बाहर वैसे तो बाहर रखा गया, लेकिन जब तक तो ये डोगी आई है ना हमारे तो उनका डर लग है कहीं पाड़ ना दी भाई इसने बहुत भाई घर रुपये लाग रहे भाई रुपया का ऑर्डर लागा उनकी तो जरासी लाग गया और उन्हें के बेरा। तो यह चीज़ तो हमने देखनी पड़ेगी। तो इस मारी अपना मन अंदर खड़ा करा कह रहे इब तीब की गर्मी मैंने इसमें पानी भी नहीं गाली ऐसा बात किया हमारे ने। तो ये खाली सिलेंडर हो रहा है तो उधर रखा था बार महले बरवा कर नहीं स्टोर में रख देंगे। बाकी जब मतलब कि एक तो जैसे गैस पर लग रहा है, एक और पर रखा है जो भाई किराए वाले हैं ना तो वे लेकर जा रहे हैं, तो वही लेकर न गए थे तो वो भरा ले गए थे और खाली यहाँ रख दिया था। तो फिर मैं यूँ ही सोच रही थी भाई रोज़ गाड़ी आवा तो इसने भरवा कर एक स्टोर में रख दी। तो ये देखो ये मैं बाहर आ गई और सारे प्लांटा में पानी देंगी बढ़िया तसली तक, क्योंकि बाल्टी की गल दे ना तो वो इतनी मतलब कि बाहर तरफ्ती नहीं होती पेटा पे, एक तो सारे पेटे भी धू जाए इससे साफ हो जाए, धूल मिट्टी सारी हट जाए। तो आज तो मैंने पाइप लगा ली, मतलब पाइप तो मैं लगा कर ही रखा करूँ, तो बस आज मैं पाइप तो सारे पेड़ ना सुतरी त्रिया दूँ भी और
सारे बढ़िया तरह तसली का पानी दें, क्योंकि भाई कितनी गर्मी का टाइम इस टाइम पर का अगर है अगर जोड़ के जोड़ सूख जावे तो ये तो पेड़े है बेचारे। और एक काम और करना मैंने, वो उस दिन आपने देखी थी ना उसमें, तो मैं भी निकालू थी फोटो लगा कि मतलब पहले तो उसने कुछ और बोले आ रहे थे, ये शायद फोटो लिखा कि बोला उस छोटे छोटे प्लांट सी है, मैं फिर दिखाऊंगा अगले जब भी मतलब निकालूंगी। तो वो जो प्लांट है ना उसी हमारे सुकन सी ला गया था, मैं सारी उसमें मतलब काटनी पड़ेगी मैंने, तो एक दिन में भी निकालूंगी और दूसरे उसमें लगाऊंगी। तो ये देखें ये मेरी हैंगिंग बास्केट है, ये मेरी ये बनाई उड़ है सारा सौदा यो। और जो ये स्पाइडर प्लांट है ना इसके मैं 5-7 लेकर ना आई थी प्लांट उस पर था नर्सरी में था, और उस तब तक बाद ये देखो कितने सारे मतलब कि मैंने बगाने पड़ जाए हैं, इतने हो रहे हैं। बस एक प्लांट भी ले आओगे ना तो 1 साल भर भीतर आपके पास इतने हो जाएंगे, जितना चाहो उतना बढ़ा लो। तो उस साइड का मैंने सारे का पानी दे दिया तसली तो। और जो ये स्लैब दिख रहे ना अपने लकड़ी की, ये भी मैंने द्वारा ये कार्रवाई कर रखी है, काट कर अरे स्लैब से बनवा दिए इसमें प्लांट दे रखे हैं। तो ये देखो यहाँ मैंने सारे सामान उठा कर ना, अरे देखो फिर ये सिलेंडर इसके पापा ने भरवा ही लिया, तो खाली स्टोर में मैंने आज स्टोर में रखा था, आज ये भरवा लिया, ये रखना आना पड़ेगा ना तो इसके पापा पर रखवाऊंगी। अरे देखो मैंने नीचे मेरे पेंट की डिब्बी खाली हो रही थी और उसके ऊपर मैंने ये स्पाइडर प्लांट मैंने भीतर रख दिया है, ना तो ये डॉग कितने निकम्मे है ठंड के मारे इसके ऊपर बैठ जाए सारी तो पत्ती की ऊपर कर दी बेचारी। और ये एक साथ के साथ में इसमें वो क्या बोला रहे थे ना एलवे के प्लांट मैंने बीच बीच में लगा रखे, और ये मैंने ये अंदर रख दिया क्योंकि ये प्लांट ना अंदर बढ़िया तरिया चालागा। और ये देखो जो वो दूसरा प्लांट था वो मैंने यहाँ रख दिया बेड के और सोफे के बीच में गेस्ट रूम में, ये बाड़े बैठ कर मैं वीडियो एडिट करूँगी और फिर ये व्लॉग डालूँगी। और साथ ही साथ ये देखो आपने मैं दिखा दूँ जो मेरा स्टॉल है, मैं कदे 100 रुपये का लेकर ना आई थी मैं पानी पत्ता है, और ये मैंने इसके ऊपर परा दिया और साथ में ये फूल भी लगा रखी है मैंने। ये मतलब पहले मैंने लैंप बनाया था तो फिर लैंप की मतलब कि बच्चे ने तोड़ ताड़ दिया, तो ये मैंने उस कपड़ा इसके ऊपर लपेट दिया, देखो अच्छा लग रहा है। ये भी सारी चीज़ें मैंने लगा रखी है स्टॉल पर क्योंकि मैंने लैंप बनाया था, अरे इसके ऊपर मैंने लपेट दिया प्लांट पे, मतलब अच्छा लग रहा है और दीवार के कलर के साथ सही मैच भी हो रहा था। और एक चीज़ और मैं आपने दिखा दूँ, वे जो मतलब बाथटब दे रहा था ना तो उस विंडो के पीछे रखे थे वो, देखो ये प्लांटर मेरे ये बनाए उड़ थे जो मेरी मैंने पहले तो वीडियो देखे उन्हें तो पता है। तो ये मैंने एक तो यहाँ पर रख दिया है प्यारा सा प्लांटर, और इसके अंदर मैंने ये स्पाइडर प्लांट लगा दिया दूसरा प्लांट में था, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है जिससे भी वही धूप में अगर कभी धूप देनी पड़े प्लांट ने थोड़ी बहुत तो बाहर भी रख सकूँ। ये तो मैंने यहाँ पर सेट बॉक्स का ये इस पर बिठा दिया स्टैंड, और दूसरा इसकी जो जोड़ीदार है ये यहाँ पर बिठा दी मैंने एक, ये देखो फिलहाल के लिए यहीं बिठा दी। तो भैया आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे।